दोस्तों वंस इन अ लाइफ टाइम कोलैबोरेशन शायद हमको देखने को मिलेगा और जो सालों तक याद रखा जाएगा। सो दोस्तों अगर हम सबसे बड़े से बड़ा कॉम्बिनेशन या कोलैबोरेशन के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है वो किस दो सुपरस्टार के बीच होने वाला होगा इंडियन सिनेमा में? अगर हम सोचे भी तो हमारा ध्यान करण अर्जुन यानी टाइगर वर्सेस पठान यानी सलमान वर्सेस शाहरुख खान के ऊपर ही जाएगा, और इससे बड़ा कॉम्बिनेशन कोई हो सकता है क्या, है ना? पर अगर मैं आपको कहूं कि ये कॉम्बिनेशन से भी बड़ा और एक कॉम्बिनेशन होने वाला है तो आप क्या बोलेंगे? और वो कॉम्बिनेशन किसके बीच होने वाला है? डायरेक्टर कौन है इस मूवी का जो ये इम्पॉसिबल टास्क को यानी इस ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं? और इस मूवी का डिटेल्स मैं आपको सब कुछ दूंगा जो कि आपको हैरान भी करने वाला है। उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मिंग। दोस्तों जैसा हम सब देख रहे हैं आजकल बॉलीवुड और साउथ वाले एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये देख के अच्छा भी लग रहा है कि फाइनली बॉलीवुड वाले कुछ अच्छे और मीनिंगफुल स्टोरी पे काम कर रहे हैं। और इन सब में से एक डायरेक्टर का नाम बहुत ऊपर आता है जो कि साउथ के, और उन्होंने शाहरुख खान के साथ जवान मूवी किया था और उस मूवी ने तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया था। उस डायरेक्टर का नाम है अटली, और वो इस बार एक इम्पॉसिबल कोलैबोरेशन को पॉसिबल करने जा रहे हैं। सो वो बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है भाईजान सलमान खान और सुपरस्टार रजनीकांत के बीच। दोस्तों आपने सही सुना है, ये कोलैबोरेशन जो हमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा अटली सच करने जा रहे हैं इसको। रजनीकांत को कौन पसंद नहीं करता है, उनके एक्टिंग और एक्शन के तो हम सब दीवाने हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ आपको। रिपोर्ट्स के हिसाब से अटली नेक्स्ट मंथ सलमान खान और रजनीकांत से मीटिंग करने वाले हैं इस मूवी के लिए, और इस मूवी को सन पिक्चर प्रोड्यूस करने वाला है। सन पिक्चर्स वालों का रजनीकांत के फैमिली के साथ एक अच्छा कनेक्शन है, तो शायद ये कोलैबोरेशन भी हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। वैसे ही दूसरी साइड में अटली सलमान सर के साथ पिछले 2 साल से टच में है, और अटली के टीम को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये मूवी जरूर होगा और रजनीकांत और सलमान खान वो ऑन बोर्ड कर पाएंगे एक ही साथ। अगर इस मूवी के पॉसिबल नाम के बारे में हम बात करें तो अब तक इस मूवी के लिए कोई भी टाइटल फिक्स नहीं किया गया है, और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये साल के एंड में इस मूवी का शूटिंग शुरू हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सलमान सर अब किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फिलहाल सलमान भाई साल सिकंदर मूवी के शूटिंग में बिजी है, और उस मूवी को साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर एआर मुर्गदास सर डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये मूवी बहुत ही हाई बजट और सलमान खान के करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी में से एक है जो कि अगले साल ईद में रिलीज होने वाला है। और दूसरे साइड में सुपरस्टार रजनीकांत अपनी नेक्स्ट आने वाली मूवी पुली की शूटिंग में बिजी है, और ये जो दो बड़े एक्टर है हम जो कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं अगर ये हो गया तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होगा दोस्तों। शायद और कभी ना हो ये चीज, ये जनरेशन और आने वाले हर जनरेशन इसको याद रखने वाला है। वैसे सलमान खान और रजनीकांत अपने अपने इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े नाम हैं, और दोनों को एक साथ एक मूवी में लाना ये कोई आसान काम नहीं होगा, पर अगर ये हो गया ना तो इससे भयंकर चीज कुछ नहीं होगा। और ये मूवी बहुत ही ज्यादा हाई बजट मूवी होने वाला है क्योंकि इन दोनों का फीस ही लगभग 250 से 300 करोड़ होने वाला है मिला के। तो आप सोच लीजिए मूवी कम से कम 700-800 करोड़ के नीचे नहीं बनने वाला है, और ये हाई बजट मूवी होगा और इसकी स्टोरी भी दमदार होनी चाहिए। वैसे अटली से हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये कॉम्बिनेशन जानकर कैसा लगा, आप इसको कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान।